नमस्कार जोहार आदाब, मैं अमित सिंह आशुतोष आनंद के साथ और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज गोड्डा। समय है दिन भर की कुछ खास खबरों का, तो चलिए आइए देखते हैं दिन भर की कुछ खास खबरें। भारतीय इतिहास में आज ही के दिन आज से ठीक दो वर्ष पहले देश के जवान सैनिकों ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भारतीय विरोधी कट्टर आतंकवादियों के शिविर में घुसकर सभी आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया था। ऐसे जमात सैनिकों को नमन करते हुए उन जवानों के सम्मान में एक सभा बुलाकर जिले के विभिन्न प्रखंडों और नगर के क्षेत्र में भाजपाइयों ने के द्वारा एक सम्मान सभा रखी गई, जहाँ नगर में जिला अध्यक्ष राजेश झा पूर्व नगर अध्यक्ष अजीत सिंह, वहीं मेहरवा प्रखंड में प्रखंड अध्यक्ष दीपक ठाकुर एवं जिला महामंत्री आलोक पासवान इत्यादि मौजूद रहे। एक दिवसीय धरना प्रदर्शन एवं शहर में जुलूस करने के लिए जिला जलसहिया संघ ने कमर कस ली है। ज्ञात हो कि 9 वर्षों से लगातार जलसहिया अपना योगदान देती आ रही है और इनके कार्य करने के उपरांत विभाग द्वारा मानदेय भी नहीं मिल रहा। इस संदर्भ में विभाग के विरोध में 5 अक्टूबर 2018 को गोड्डा में अशोक स्तंभ पर जिला जलसहिया संघ द्वारा एक दिवसीय धरना तथा शहर में जुलूस निकालने का फैसला लिया गया है। इसकी जानकारी जलसहिया संघ की सचिव रूबी देवी ने दी। धर्म परिवर्तन और घर वापसी वाले मामले पर महागठबंधन में आयोजित की बैठक। रंजीत कुमार ने कहा कि भाजपा हिंदू परिषद के लोगों ने ईसाई धर्म कबूल करने वाले तीनों परिवारों का गोड्डा सहित पूरे प्रदेश में सामाजिक छवि खराब कर मानवाधिकार का हनन किया है। भाजपा नेता जिस धर्म कोड की बात कर रहे हैं, ये मालूम हो कि कानून हाल ही में सिर्फ झारखंड में ही लागू किया गया है, जबकि वह तीनों परिवार 2 वर्ष पूर्व भी ईसाई धर्म वह भी बिहार में कबूल किया था और इस वजह से इनके ऊपर धर्म कोड बिल लागू नहीं होता है। इसका उच्च स्तरीय जांच कर दोषी पर उचित कार्रवाई अविलंब होनी चाहिए। ग्वालियर प्रखंड के तेलोड़ा बंगला बरसन मैदान में ग्राम प्रधान प्रखंड सचिव सह जिला परिषद सदस्य बाबूलाल बनंडी ने ग्राम प्रधान एवं ग्रामीणों के साथ बैठक की, जिसमें शिथिल क्षेत्रों में गांव जितने भी आ रहे हैं उनमें सरकारी योजना चलाई जा रही है उन सभी के में ग्राम प्रधान की स्वीकृति प्रदान करने, ऑनलाइन रसीद काटने का विरोध किया तथा नशामुक्त समाज तथा सामाजिक मजबूती प्रदान करने एवं समाज को चलाने वाले पाँचों पंच जोग मांझी जोग पराने कुड़िम नायकी गांव के चौकीदार गुड़ित को भी ग्राम प्रधान की तरह ही मानदेय देने पर चर्चा की गई। इस मौके पर ग्राम प्रधान रोबिन मुर्मू बिडे टूडू सेलिस्टियन हाजदा में ग्रामीण उपस्थित थे। आज दिनांक 29/9/18 को झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आज गोड्डा जिला कांग्रेस कमेटी के बैनर तले गोड्डा कांग्रेस कार्यालय से समरणालय तक वर्तमान केंद्र सरकार राज्य सरकार के विरुद्ध डीजल पेट्रोल केरोसिन तेल रसोई गैस में बेतहाशा वृद्धि को लेकर राज्यव्यापी जुलूस प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन की अध्यक्षता गोड्डा जिला कांग्रेस कमेटी के दिनेश यादव एवं जुलूस में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव सह झारखंड सह फरक्का विधायक मैनुल हक एवं पूर्व मंत्री कृष्णानंद झा एवं सैकड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी उपस्थित थे। सड़क कानून का पाठ पढ़ा रही है सरकार, मगर नहीं बदल रहा गोड्डा। गोड्डा सड़क कानून का पालन करवाने के लिए प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। बैनर पोस्टर के साथ साथ डिजिटल स्क्रीन के माध्यम से यातायात के नियमों के पालन का संदेश जारी किया जा रहा है, मगर झारखंड प्रदेश में कई जगह आम लोगों को कानून की धज्जियां उड़ाते देखा गया। ताज़ा तस्वीर गोड्डा सदर बाजार की है, जहां समरणालय के ठीक सामने डिजिटल स्क्रीन पर मुख्यमंत्री रघुवर दास सड़क सुरक्षा कानून के प्रति आमजनों को आगाह करते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आमजनों को यातायात के नियमों की धज्जियां उड़ाते देखा जा रहा है। सर्वे के मुताबिक लगभग 90% लोग हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते। वहीं दूसरी तरफ लगभग 75% लोग पैर में जूता भी नहीं पहनते। हालांकि जिला प्रशासन बीच बीच में जांच अभियान चलाया जाता है। यातायात के नियमों का पालन नहीं करने वाले लोगों पर पेनाल्टी भी की जाती है, मगर लगातार प्रयास के बावजूद आम जनों में जागरूकता का भाव देखने को मिल ही नहीं रहा। मुफ्त नेत्र चिकित्सा के तहत पहले दिन 80 का हुआ ऑपरेशन। जिला अंधापन नियंत्रण समिति आई हॉस्पिटल महागामा, दीप आई हॉस्पिटल असनमनी गोड्डा, राष्ट्रीय उत्कर्ष फाउंडेशन एवं विद्यापति सांस्कृतिक परिषद के संयुक्त तत्वाधान में 28 सितंबर से 1 अक्टूबर तक आयोजित मुफ्त नेत्र जांच चिकित्सा व शल्य चिकित्सा शिविर में शनिवार शाम तक जहां कुल 410 मरीजों की जांच हुई, वहीं निःशुल्क शल्य चिकित्सा के तहत पहले दिन समाचार मिलने तक 80 मरीजों का सफल ऑपरेशन हुआ। उक्त आशय की जानकारी देते हुए राष्ट्रीय उत्कर्ष फाउंडेशन के सचिव आर के रंजन ने बताया कि विश्व स्तरीय नेत्र शल्य चिकित्सक डॉक्टर राजवर्धन आजाद के साथ दिल्ली एवं गोड्डा के विशेषज्ञ चिकित्सक की टीम पूरे मनोयोग से गोड्डा को मोतियाबिंद मुक्त बनाने के संकल्प के साथ नरसेवा में लगे हुए हैं। इस महती सेवा में विद्यापति सांस्कृतिक परिषद के अध्यक्ष
प्रोफेसर जयकांत ठाकुर, सर्वजीत झा, रविशंकर झा, माधव चंद्र चौधरी, हरिशंकर मिश्रा, विनय ठाकुर, नर्मदेश्वर झा, उदयकांत शुक्ला, सुनील कुमार झा आदि के अलावा यूनिसेफ के जिला समन्वयक धनंजय त्रिवेदी एवं डॉक्टर कुलदीप का सहयोग सराहनीय रहा। राष्ट्रीय उत्कर्ष के सचिव ने प्रत्येक रविवार सुबह 8 से 10 बजे तक निःशुल्क बीपी एवं शुगर जांच के संकल्प के साथ कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत। बसंतराय प्रखंड के अंचल कार्यालय में अंचल अधिकारी बसंतराय के द्वारा विशेष अधिकार शिविर का आयोजन किया गया। विशेष अधिकार शिविर में लाभुकों की अत्यधिक भीड़ देखी गई, जिसमें पंचायतवार सभी पेंशन योजना के तहत लाभुकों का आवेदन लिया गया। वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन तथा विधवा पेंशन में लाभुकों की भारी भीड़ देखी गई। ब्रांचल ग्रामीण बैंक शाखा बसंतराय की तरफ से लाभुकों को बैंक खाता खोला गया। मौके पर राजस्व कर्मचारी राजेश कुमार सुमन, शिव शंकर ठाकुर एवं ब्रांचल ग्रामीण बैंक के कर्मचारी नीतीश कुमार मिश्रा, कंप्यूटर ऑपरेटर सुनील और तबरेज आलम, नरेंद्र कुमार विक्रांत तथा ग्राहक सेवा केंद्र के मोहम्मद अफजल उपस्थित थे। तो बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए और देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़। गुड नाइट।